वेलकम टू आवर चैनल फार्मेसी अपडेट। आज हम फिर आपके सामने आए हैं एक नया टॉपिक लेके। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर साल पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है फ्रीज ड्रायर। और ड्राइंग से भी क्वेश्चन आते हैं, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, यूटेटिक पॉइंट क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है फ्रीज ड्राइंग का, और कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, ऐसे करके एक क्वेश्चन आता है 7 नंबर या फिर 10 नंबर का। तो आइए चलते देखते हैं कि क्या होती है ड्राइंग और किस तरह से फ्रीज ड्रायर हमारा काम करता है। जो ड्राइंग है, ड्राइंग जो प्रोसेस होती है उसमें हम बात करते हैं कि जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर है या फिर लिक्विड है किसी भी मटेरियल के अंदर, उसको रिमूव किया जा सके, उसको अलग किया जा सके उसमें से। और जब तक वो वाटर रिमूव नहीं होगा, इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर भी उसमें अगर बचा रहेगा तो वो कंप्लीट ड्राइंग नहीं कहला सकते प्रोसेस। तो ये जो ड्राइंग की प्रोसेस होती है वो बेसिकली हीट के द्वारा की जाती है। आपने देखा होगा कि घरों में भी अगर कोई मसाले वगैरह सुखाने हैं तो हीट की मदद से उनको ड्राई किया जाता है, उनको धूप में डाल देते हैं ताकि वो अच्छे से सूख जाए, उसमें कोई भी अमाउंट ऑफ वाटर ना हो, ताकि उसको स्टोरेज किया जा सके। तो जो ड्राइंग का प्रोसेस है और जो भी ड्राइंग का प्रोसेस है ये बहुत टाइम से चला आ रहा है, और ये अब इसका केवल फूड और फूड वगैरह के स्टोरेज के लिए नहीं किया जाता, बल्कि ये ड्राइंग जो प्रोसेस है वो आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज में भी अप्लाई किया जाता है। फूड इंडस्ट्री तो ड्राइंग की प्रोसेस अप्लाई करती ही करती है, ताकि जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपका फूड्स है, वो किसी भी वजह से ख़राब ना होने पाए, उनको लंबे समय तक उनको स्टोरेज किया जा सके। तो इसकी बात कर रहे थे हम लोग कि ड्राइंग क्या होता है। तो ड्राइंग में स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर तक उनको रिमूव किया जाता है बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट। फिर लिक्विड मीडियम में भी रिमूव फ्रॉम सॉलिड मैकेनिकली, जिसके दो प्रोसेस होते हैं, जैसे कि फिल्टर प्रेस के मदद से भी आप लिक्विड मीडियम को सॉलिड में से अलग कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूज कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस से भी लिक्विड मीडियम को आप अलग कर सकते हैं। आपने सेंट्रीफ्यूज कर की प्रोसेस देखी होगी, बहुत सारी मिल्क डेयरी प्रोडक्ट जो बनाते हैं तो मिल्क का सेंट्रीफ्यूगेशन करके उसमें से जो लिक्विड जो होता है उसको अलग कर लेते हैं, फैट को अलग कर लेते हैं। तो ये भी एक टेक्निक है। और दूसरी टेक्निक ये होती है कि थर्मली आप वेपर्स क्रिएट करा करके लिक्विड को अलग कर दे सॉलिड में से। तो जो थर्मल प्रोसेस होती है या फिर जो मैकेनिकल प्रोसेस होती है जिसमें वेपराइजेशन यूज़ किया जाता है टू रिमूवल के लिए या फिर ड्राइंग के लिए लिक्विड को अलग करने के लिए, वो थोड़ी सी चीपेस्ट प्रोसेस होती है कि उसमें टाइम भी कम लगता है और आराम से हो सकती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि थर्मोस्टेबल नहीं है, तो उनके लिए अलग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें हीट आप प्रोवाइड नहीं कर सकते क्योंकि हीट के कांटेक्ट में आने में आपके जो प्रोडक्ट है वो ख़राब हो सकते हैं। आप अगर मेडिसिंस की बात करें या फिर फूड की बात करें तो दोनों ही केसेस में ऐसा होता है कि देखने को मिलता है कि जो भी प्रोडक्ट है वो आपका ख़राब हो सकता है। Therefore, it is advisable to reduce the liquid as much as possible before the subjecting to drying process. तो क्या है कि जब आप ड्राइंग की प्रोसेस करते हैं तो ड्राइंग की प्रोसेस करने के लिए अगर आप चाहते हैं कंप्लीट ड्राई हो जाए, तो आप ड्राइंग की प्रोसेस करने से पहले को वेपराइजेशन करा लेते हैं। अगर आप वेपराइजेशन करा लेते हैं यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड को अलग कर लेते हैं उसमें से, या तो आप वेपराइजेशन कराएं या तो आप सेंट्रीफ्यूगेशन कराएं या फिर फिल्टर प्रेस का इस्तेमाल करें फिल्ट्रेशन की प्रोसेस करके, तो फिर आपकी ड्राइंग अच्छे से पॉसिबल हो जाती है। और जो ड्राइंग और इवोपरेशन है ये एक दूसरे से काफ़ी अलग है। इनकी क्वांटिटीज़ जो लिक्विड को रिमूव करने वाली है सॉलिड में से वो काफ़ी अलग है। तो इसकी हम आगे बात करेंगे कि किस तरह से ड्राइंग और इवोपरेशन दोनों एक दूसरे से डिस्टिंग्विशेबल हैं, किस तरह से दोनों डिफरेंट हैं। तो इवोपरेशन की अगर बात करें तो इवोपरेशन में हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन या फिर सस्पेंशन ऑब्टेन करते हैं
या फिर वेट स्लरी ऑब्टेन करते हैं। जब भी हम इवोपरेशन की प्रोसेस कराते हैं तो हमें कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन या फिर सस्पेंशन में ऑब्टेन होता है, और ड्राइंग में जो हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है वो कंप्लीट ड्राई फॉर्म में होता है। द लिक्विड टू बी वेपराइज्ड मे रिमेन्स, जो भी लिक्विड आप वेपराइज करा रहे हैं उसमें हो सकता है कुछ चीज़ें रह जाएं। जैसे कि अगर आप लिक्विड को वेपर के माध्यम से अगर आप लिक्विड को हीट में दे के वेपर्स में कन्वर्ट करके आप उसको वेपराइजेशन की प्रोसेस कर रहे हैं, यानी कि इवोपरेशन की प्रोसेस क्रिएट करा रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ आपका लिक्विड रह जाएगा। किस किस फॉर्म में? जैसे कि उसके सरफेस पे रह जाएगा, सॉलिड के सरफेस पे। एग्जाम्पल, जैसे कि आपके ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल्स, सॉल्ट क्रिस्टल्स हो गया, या फिर जो इनसाइड ऑफ सॉलिड होगा, मतलब कि सॉलिड के अंदर का जो भाग होगा, इंटायर इनसाइड सॉलिड, वहाँ पे कुछ सॉल्वेंट आपके रह जाएंगे। या फिर अगर आप पाउडर फॉर्म की बात करते हैं तो उसमें क्या है, पार्टली आउटसाइड और पार्टली इनसाइड में कुछ सॉल्वेंट आपका रह जाता है। तो इवोपरेशन से आप कंप्लीट रिमूवल या फिर इवन अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ वाटर आप रिमूव नहीं करा पाते हैं, लेकिन ये चीज़ आप ड्राइंग में करा सकते हैं। ड्राइंग इज पॉसिबल व्हेन द एनवायरनमेंट इज अनसेचुरेटेड विथ वाटर वेपर। मतलब क्या है कि ड्राइंग तभी पॉसिबल है जब आपका एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कम हो, यानी कि मॉइस्चर का कंटेंट कम हो। क्योंकि जो अगर जो भी चीज़ है वो ज़्यादा से कम की तरफ जाएगी, जहाँ ज़्यादा है वहाँ नहीं जाएगी, वेपर्स वहाँ पे नहीं जाएंगी। तो वेपर्स आपकी बने, जैसे वो आपने पढ़ा होगा कि लिक्विड फ्लो करता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो अगर एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग्स में, जहाँ पर भी आप इवोपरेशन की प्रोसेस करा रहे हैं या फिर अभी ड्राइंग करा रहे हैं, वहाँ पे अगर मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे क्या होगा कि आपकी ड्राइंग की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगी, ठीक से नहीं हो पाएगी। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर धूप नहीं निकली है ठीक से, बदली है, तो ड्राइंग पॉसिबल नहीं है, जो भी आप फूड प्रोडक्ट सुखाना चाह रहे हैं। हैंस ह्यूमिडिटी इन एनवायरनमेंट इज इम्पॉर्टेंट डिटरमिनेंट फॉर ड्राइंग ऑफ सॉलिड। ह्यूमिडिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जिस भी एनवायरनमेंट में आप ड्राइंग की प्रोसेस करा रहे हैं, वहाँ पे आप ये देख लें कि सराउंडिंग्स में मॉइस्चर कंटेंट कम होना चाहिए। अगर वहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है तो ड्राइंग पॉसिबल नहीं हो सकती है। और ड्राइंग कराने के कई सारे मेथड होते हैं। थर्मल मेथड भी होता है, जैसे कि पहले भी बताया, और आपका नॉन थर्मल मेथड भी होता है। नॉन थर्मल मेथड में आपका फ्रीज ड्राइंग आता है, क्योंकि उसमें हीट आप प्रोवाइड नहीं करते, लोअर टेम्परेचर से की हेल्प से आप क्या करते हैं, ड्राइंग की प्रोसेस को फुलफिल कराते हैं। तो डिफरेंस की बात कर रहे थे हम लोग, डिफरेंस क्या होते हैं ड्राइंग और इवापरेशन में। जो ड्राइंग होता है उसमें क्या होता है, इसको करने के बाद में आप एक स्टेबल प्रोडक्ट को प्राप्त कर सकते हैं, जबकि इवोपरेशन में जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो या तो कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है, या तो फिर सस्पेंशन फॉर्म में होता है, या फिर कह सकते हैं कंसंट्रेटेड सस्पेंशन होता है, या फिर कह सकते हैं वेट स्लरी के फॉर्म में होता है। ड्राइंग में क्या होता है कि रिमूवल ऑफ लेस अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, मतलब बिल्कुल से उसको ड्राई कर देते हैं, उसमें जरा भी अमाउंट ऑफ मॉइस्चर को रहने नहीं देते। जबकि इवोपरेशन में क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एग्जिस्ट आफ्टर इवोपरेशन, उसमें प्रोडक्ट में आपके काफी हद तक अमाउंट ऑफ वाटर या फिर लिक्विड रह जाता है। जो ड्राइंग की प्रोसेस होती है वो बिलो बॉइलिंग पॉइंट की जाती है, लेकिन जो इवोपरेशन की प्रोसेस होती है मे अकर मोर एट बॉइलिंग पॉइंट। और ड्राइंग की प्रोसेस में हम ये इस बात पे फोकस करते हैं, एम्फसाइज करते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो सॉलिड हो। और जब हम इवोपरेशन की बात करते हैं तो हम ये ध्यान में रखते हैं कि रिड्यूस हो वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम उसका रिड्यूस हो, लिक्विड कम हो जाए,
लेकिन लिक्विड ख़त्म नहीं होता। लेकिन ड्राई में क्या होता है कि लिक्विड आपका कंप्लीटली कम हो जाता है, और जो कि स्टेबिलिटी को बढ़ाता है प्रोडक्ट की, और ड्राई फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में आपको प्रोडक्ट आपका मिल जाता है, चाहे आप फूड की बात करें या फिर आप मेडिसिन की बात करें। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्राइंग की। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्राइंग इंक्लूड टू प्रिजर्व फूड। ज़्यादातर मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है ड्राइंग का, घरों में पापड़ वगैरह सुखा रहे हैं, मसाले सुखा रहे हैं, तो उनका यही कारण होता है कि आप फूड को प्रिजर्व करें एंड इंक्रीज देयर सेल्फ लाइफ, वो ज़्यादा दिनों तक इस्तेमाल की जा सके, उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ सके। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप ड्राई करके उनको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं, बाय रिड्यूसिंग द वाटर कंटेंट एंड वाटर एक्टिविटी। तो जब उसमें जो भी आपका प्रोडक्ट है उसमें वाटर कंटेंट को अगर आप रिड्यूस करा देंगे, कम कर देंगे, तो वाटर एक्टिविटी भी उसकी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वो ख़राब नहीं होगा प्रोडक्ट। अवॉइड टू न्यू नीड फॉर द यूज़ ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम बाय ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, रिड्यूस स्पेस रिक्वायरमेंट फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। और ऐसा इसलिए भी करते हैं ताकि उसको रेफ्रिजरेट ना करना पड़े। अगर रेफ्रिजरेशन की प्रोसेस, रेफ्रिजरेशन नहीं पॉसिबल है उस प्रोडक्ट का, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ किया जा सके बिकॉज ऑफ ड्राइंग, ताकि स्टोरेज उसका एक्सपेंसिव ना हो और ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम ना हो। इन फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी ड्राइंग इज कैरीड आउट वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग रीजन। जो फार्मास्यूटिकली अगर आप बात करते हैं, तो जो ड्राइंग की प्रोसेस होती है कई रीजन से की जाती है। पहला रीजन होता है टू अवॉइड और इलिमिनेट मॉइस्चर दैट मे लीड टू कोरोजन एंड डिक्रीज द प्रोडक्ट और ड्रग स्टेबिलिटी। तो अगर कोई भी मॉइस्चर रहेगा तो उसमें फंगस लग सकता है, कुछ टाइम बाद वो प्रोडक्ट ख़राब हो सकता है, तो इस वजह से उससे एलिमिनेट किया जाता है मॉइस्चर को, ताकि कोरोजन ना होने पाए और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बढ़ाई जा सके। दूसरा रीज़न ये होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ड्राइंग को कॉज कराने का, टू इम्प्रूव और कीप द गुड प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल लाइक ग्रेन्यूल्स। ड्राइंग करा के क्या होता है कि जैसे कि ग्रेन्यूल्स, अच्छे ग्रेन्यूल्स बनाए जा सकते हैं, जैसे कि उसकी फ्लोबिलिटी बढ़ाई जा सकती है, उसकी कंप्रेसिबिलिटी को इंक्रीज किया जा सकता है, तो इस वजह से भी ड्राइंग की प्रोसीजर कराई जाती है। जैसे आप ग्रेन्यूल्स बनाते हैं, दो टेक्निक्स होती है, वेट ग्रेनुलेशन, ड्राई ग्रेनुलेशन, उसके बाद में उनको ड्राई कराते हैं। क्यों? ताकि उसकी फ्लो प्रॉपर्टी इन्हांस हो, और जब आप उसको टैबलेट में कन्वर्ट करें, कंप्रेस करें, तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी आपको अच्छी मिले, आपकी टैबलेट अच्छे से कंप्रेस हो जाए। तो ये ऑब्जेक्टिव होता है फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी की, क्यों ड्राइंग की प्रोसेस की जाती है, यही रीज़न है इसके। तो ये हो गए ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में आपने जान लिया कि फूड को प्रिजर्व किया जा सके और उसकी सेल्फ लाइफ को इंक्रीज किया जा सके, और जो वाटर कंटेंट है उसकी, उसको रिड्यूस करके उसकी एक्टिविटी को रोका जा सके, ताकि रेफ्रिजरेशन की कोई प्रोसेस ना करनी पड़े, ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस को ना झेलना पड़े, और स्टोरेज आराम से हो सके। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ड्राइंग की, कि ड्राइंग की जो एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ ड्राइंग की प्रोसीजर यूज़ होती है। तो ड्राइंग में क्या होता है कि पहला होता है प्रिपरेशन ऑफ बल्क ड्रग। जब आपको बल्क ड्रग बनानी होती है तब आप ड्राइंग की प्रोसीजर कराते हैं। इन जैसे इसमें एक एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इन द प्रिपरेशन ऑफ बल्क ड्रग ड्राइंग इज फाइनल स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग। ड्राइंग हमेशा फाइनल स्टेज है आपकी प्रोसेसिंग की, जब आप बल्क ड्रग बना रहे हैं। जैसे कि आपने ड्राई एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाया, या फिर स्प्रे ड्राई ग्लैक्टोज बनाया, या फिर पाउडर एक्सट्रैक्ट किसी चीज़ का निकाला है, एक्सट्रैक्ट है पाउडर फॉर्म में किसी केमिकल का, तो उसको आपको क्या करना है, ड्राई करना है, क्योंकि आपने ज़्यादा फॉर्म में निकाला, उसको ड्राई करके आप स्टोर करना चाहते हैं।
तो प्रिपरेशन ऑफ बल्क ड्रग एक एप्लीकेशन हो गई। दूसरी क्या है, प्रिजर्वेशन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट, ताकि जो भी ड्रग प्रोडक्ट हैं उनको आप प्रिजर्व करके रख सके, लॉन्ग टर्म वो खराब ना होने पाए। तो इट इज़ नेसेसरी टू अवॉइड डिटोरिएशन। अगर उसमें वाटर कंटेंट कुछ भी रहता है तो उसमें डिटोरिएशन होगा, कोई भी लिक्विड है उसमें तो उसमें डिटोरिएशन होगा ही होगा, क्योंकि उसमें फंगल इन्फेक्शन वगैरह, फंगस वगैरह उसमें कहीं ना कहीं आएगी और वो ख़राब हो जाएगा प्रोडक्ट आपका। तो जैसे कि एक एग्जांपल है, जो प्रिजर्वेशन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट का जिसकी आप ड्राइंग कराते हैं, जैसे कि आपका हो गया ब्लड, ब्लड प्रोडक्ट हो गया, स्किन हो गई, टिश्यूज हो गए, एंड क्रूड ड्रग्स हो गई, माइक्रोबियल ग्रोथ हो गई, इनका आप प्रिजर्वेशन आप करते हैं, इसके लिए आप ड्राइंग की प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड वन इज इम्प्रूव्ड करेक्टरिस्टिक, जैसे कि ड्राइंग प्रोड्यूस मटेरियल ऑफ स्फेरिकल शेप, यूनिफॉर्म साइज, फ्री फ्लोइंग एंड इनहेंस सॉलिबिलिटी, इन सारी चीज़ों को अचीव करने के लिए भी आप ड्राइंग की प्रोसीजर को फुलफिल कराते हैं। दूसरा हो गया इम्प्रूव्ड हैंडलिंग टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अगर आप बल्क में ड्रग जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा है, जिसमें आपका वाटर कंटेंट ज़्यादा है, उसको अगर आप ट्रांसपोर्ट करेंगे तो आपको ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा कॉस्ट आएगी। टू मेक द मटेरियल इजी एंड मोर स्टेबल फॉर हैंडलिंग। दूसरा कारण ये होता है कि अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हैं कि प्रोडक्ट आपका ख़राब ना हो, आप ज़्यादा दिन तक उसको रख सकते हैं, तो उसका ड्राइंग से रिड्यूस कराते हैं मॉइस्चर कंटेंट और उसको आराम से आप हैंडल आउट कर सकते हैं। जब आपको जितना प्रोडक्ट यूज़ करना है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और ड्राइंग हमेशा फाइनल स्टेप रहता है इन इवोपरेशन, फिल्ट्रेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। अगर आप कोई भी चीज़ अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना चाहते हैं, कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, तो अगर आपने इवोपरेशन कराया है उसका, या फिल्ट्रेशन कराया है, या फिर क्रिस्टलाइजेशन कराया है, तो उसके बाद में आपका ड्राइंग कराना मैंडेटरी होता है, ताकि आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करके आप उसको यूटिलाइज कर लें। अब बात करते हैं फ्रीज ड्रायर की। तो फ्रीज ड्रायर जो होता है, या फिर फ्रीज ड्राइंग जो होता है, इसको आप लायोफिलाइजेशन भी कहते हैं। इसके अलावा अगर इसका क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है कई बार फ्रीज ड्रायर करके पूछ ले, फ्रीज ड्राइंग करके पूछ ले, या फिर लायोफिलाइजेशन करके पूछ लेता है, या फिर सब्लिमेशन ड्राइंग करके पूछ लेगा, जेल्सिकेशन पूछ लेगा, या फिर कई सारे नाम हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं लायोफिलाइजेशन। इट मीन्स अ सिस्टम इज मेड सॉल्वेंट लविंग फॉर रिमूविंग द सेम। ऐसा सिस्टम जो सॉल्वेंट लविंग है और उसी को अलग करने का प्रोसीजर करता है, उसी को रिमूव कराने के लिए काम करता है। और इट इज़ कपल्ड हीट मास ट्रांसफर प्रोसेस वेयर द फ्रोजन सॉल्वेंट, यूजुअली वाटर, इज रिमूव्ड इनिशियली बाय सब्लिमेशन अंडर द कंडीशन ऑफ रिड्यूस प्रेशर एंड सब जीरो टेम्परेचर, एंड देन deabsorb under the condition of reduced pressure and above zero temperature to yield the dry product। मतलब क्या हुआ, ये ऐसी एक प्रक्रिया है जिसमें आपका जो भी लिक्विड है, जो भी सॉल्वेंट है, जो भी आपका लिक्विड प्रोडक्ट है, जो भी वाटर कंटेंट प्रोडक्ट है, उसको आप पहले क्या कराते हैं, फ्रोज कराते हैं, यानी कि उसको जमा देते हैं, और उसको जमाने के बाद में उसको लिक्विड में नहीं कन्वर्ट करते। आप इस तरह का टेम्परेचर उसमें मेंटेन करते हैं कि वो आइस में हो गया है, तो आइस से वो लिक्विड में ना कन्वर्ट होके डायरेक्टली वो कन्वर्ट हो जाए वेपर्स में, विदाउट कन्वर्टिंग इन अ लिक्विड। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, लायोफिलाइजेशन। और इसमें आप ड्राई प्रोडक्टों को ऑप्टेन कर पाते हैं। ठीक, तो इसमें आप ट्रिपल पॉइंट देख रहे थे, तो यहाँ हम ट्रिपल पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। ट्रिपल पॉइंट में प्रेशर और टेम्परेचर दो फैक्टर्स होते हैं, दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं ड्राइंग के लिए। और ये जो ट्रिपल पॉइंट होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है जब आप फ्रीज ड्रायर की बात करें।
फ्रीज ड्राइंग इज इन्वॉल्व सब्लिमेशन। तो फ्रीज ड्राइंग में क्या होता है, सब्लिमेशन होता है, या फिर कह सकते हैं लायोफिलाइजेशन होता है। तो इसमें क्या होता है, वाटर डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से यानी कि आइस से कन्वर्ट हो जाता है वेपर स्टेट में विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। बिना लिक्विड स्टेट में जाए आइस क्या कन्वर्ट हो जाए, आइस कन्वर्ट हो जाए वेपर स्टेट में, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन, दैट इज कॉल्ड लायोफिलाइजेशन। अब सब्लिमेशन ऑफ वाटर कैन टेक प्लेस एट प्रेशर एंड टेम्परेचर बिलो द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर और सॉल्वेंट टू बी ड्राइड। अब ये ट्रिपल पॉइंट होता है, जो सब्लिमेशन की प्रोसेस होती है ये इसी पॉइंट पे हो पाती है पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपकी ये सारी स्टेट इक्विलिब्रियम फॉर्म करती है, लिक्विड स्टेट और वेपर स्टेट और आपकी सॉलिड स्टेट, इनका एक इक्विलिब्रियम फॉर्म हो जाता है यहाँ पे। और ये डायरेक्टली यहाँ पे क्या होती है, तुरंत ही तुरंत सॉलिड से तुरंत लिक्विड, तुरंत ही पता भी नहीं चलेगा तुरंत ही वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसा प्रेशर, ऐसा टेम्परेचर यहाँ पे क्रिएट होता है जिसे तुरंत सॉलिड से आपका लिक्विड में ना कन्वर्ट होके सीधा सीधा आपका वेपर स्टेट में आपका प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाता है। तो सब्लिमेशन ऑफ वाटर कैन टेक प्लेस एट प्रेशर एंड टेम्परेचर बिलो द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर और सॉल्वेंट टू बी ड्राइड। तो बिलो द ट्रिपल पॉइंट क्या है, एनी हीट ट्रांसफर इज यूज्ड एज अ लेटेंट हीट। ऐसा टेम्परेचर दिया जाए, जो भी हीट आप उसमें दे रहे हैं, जो भी टेम्परेचर आप उसका मेंटेन कर रहे हैं, वो टेम्परेचर इतना होना चाहिए, लेटेंट हीट का मतलब इतना होना चाहिए कि वो जो आइस है वो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाए विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड स्टेट। यही चीज बार बार बताई जा रही है, यही आपकी ट्रिपल स्टेट है, सब्लिमेशन है, यही आपका प्रिंसिपल है फ्रीज ड्राइंग का। अगर आपको 2 नंबर का आता है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीज ड्राइंग, तो आप इतना लिखेंगे, फ्रीज ड्राइंग इज इन्वॉल्व सब्लिमेशन वेयर वाटर पासेस डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड स्टेट दैट इज आइस टू द वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। और ये आप अगर बनाना चाहेंगे तो ये आप बना सकते हैं ट्रिपल पॉइंट के लिए। ट्रिपल पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इतना होता है आपका, और इसी ट्रिपल पॉइंट की मदद से आप क्या करते हैं, ड्राइंग की प्रोसेस को फुलफिल करा पाते हैं। और अगर हम बात करें यूटेटिक पॉइंट की, इन दिस केस द प्रेशर एंड टेम्परेचर बिलो विच वाटर वेपर्स डायरेक्टली फ्रॉम आइस टू वेपर स्टेट इज कॉल्ड यूटेटिक पॉइंट। ऐसा प्रेशर, ऐसा टेम्परेचर जो कि जिसमें बिलो विच वाटर वेपर्स, जिसमें वाटर वेपर्स डायरेक्टली फ्रॉम आइस टू वेपर स्टेट में हो जाए, इसको आप बोलते हैं यूटेटिक पॉइंट। जनरली इसको जो हम कैरी करते हैं, जनरली जो टेम्परेचर हम ड्राइंग फ्रीज ड्रायर में यूज़ करते हैं, वो टेम्परेचर आपका -10 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री, -30 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो प्रेशर आप उसमें मेंटेन करके रखते हैं वो 2000 से लेके 100 μmHg होता है। तो इतना आपको टेम्परेचर और इतना प्रेशर मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि ट्रिपल पॉइंट या फिर यूटेटिक पॉइंट की बात करें तो वहाँ पे सब्लिमेशन की प्रोसेस होती है, उसमें जो ऐसा टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है, ऐसी लेटेंट हीट, जो भी हीट प्रोवाइड करी जा रही है वो लेटेंट हीट होती है। और वहाँ पे डायरेक्टली क्या होता है कि आपकी आइस डायरेक्टली कन्वर्ट होती है वेपर्स में, और आइस कभी भी लिक्विड स्टेट में नहीं जाती, सीधा वो आइस से ही सीधा वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है और ड्राइंग आपकी फुलफिल हो जाती है। अब हम कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं, फ्रीज ड्रायर का कंस्ट्रक्शन क्या है। तो कंस्ट्रक्शन की बात करें, ड्राइंग चैम्बर है, हीट है, वेपर कंडेंसिंग है और वैक्यूम पंप लगा होता है। तो ड्राइंग चैम्बर इसमें होता है, ये आपका ड्राइंग चैम्बर है, इसमें सेल्फ्स बनी हुई हैं, यहाँ पे सेल्फ्स बनी है, ट्रे लगी होती है
और इन ट्रे में ही आप अपने प्रोडक्ट को, जो भी आपको फ्रोजन कराना है, उनको आप यहाँ पे रख देते हैं। रखने के बाद में क्या करते हैं, हीट सप्लाई होती है, ये डोर है, डोर को बंद कर देते हैं। यहाँ पे हीटेड सेल्स हैं, यहाँ पे हीट प्रोवाइड होती है, ये ड्राइंग चैम्बर कहलाता है। हीट ट्रांसफर फ्लूड मैनिफोल्ड, ये वैक्यूम पंप यहाँ पे लगा रहता है, ये रेफ्रिजरेशन की प्रोसेस है, कंडेंसर की प्रोसेस है। तो ड्राइंग चैम्बर होता है बेसिकली, इसमें क्या होता है, ड्राइंग चैम्बर जिसमें ट्रेज लगी होती हैं, हीट सप्लाई इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन सोर्स हीटिंग कॉइल्स, और इसमें जो हीट आप प्रोवाइड कराते हैं इस चैम्बर के अंदर, वो हीट के लिए आप क्या करते हैं, रेडिएशन सोर्स का इस्तेमाल करते हैं। और रेडिएशन सोर्स का एग्जाम्पल आप कह सकते हैं हीटिंग कॉइल्स होता है, वेपर कंडेंसिंग और एडजॉर्प्शन सिस्टम लगाते हैं आप, जिसमें क्या करते हैं, कूल्ड कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। इसको करने के लिए आप क्या करते हैं, कूल्ड कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कर लेते हैं। और यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लगा है, या फिर कह सकते हैं स्टीम इजेक्टर है, जो कि यहाँ पे लगा रहता है ये, ठीक है। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया, 1, 2, 3, 4, चार चीजें आपको इसमें लिखनी है। पहला ड्राइंग चैम्बर जिसमें ट्रे लोकेटेड होती है, दूसरा हीट सप्लायर जिसमें हीटिंग कॉइल होती है, चौथा आपका हो गया वेपर कंडेंसिंग जिसमें आप कूल्ड कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, और चौथा हो गया आपका वैक्यूम पंप, और वैक्यूम पंप के लिए आप स्टीम इजेक्टर का भी, या फिर वैक्यूम पंप कहिए या फिर स्टीम इजेक्टर कहिए, उसको आप उसमें लगा देते हैं। अब वर्किंग की बात करते हैं, तो जब भी आपको कोई भी प्रोडक्ट को फ्रीज ड्राई करना होता है, तो आपको इसी सीरीज में उनको फॉलो करना होगा। फर्स्ट आपको क्या करना होगा, प्रिपरेशन एंड प्री ट्रीटमेंट। प्रिपरेशन एंड प्री ट्रीटमेंट में क्या है कि जो भी आपको जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपका प्रोडक्ट आप ड्राइंग करना चाहते हैं फ्रीज ड्रायर के माध्यम से, उसको आप पहले प्री ट्रीट कर लीजिए, मतलब कि उसमें से कुछ ना कुछ वाटर जितना आप कम कर सकते हैं वो वाटर आप उसमें से कम कर दीजिए, इवेपोरेशन की हेल्प से या फिर किसी और तरीके से, ताकि आपकी फ्रीज ड्राइंग अच्छे से हो सके। दूसरा स्टेप होता है प्री फ्रीजिंग फॉर सॉलिडिफाइंग वाटर। प्री फ्रीजिंग मतलब कि आप इसमें रखने से पहले जो आपका प्रोडक्ट है उसको थोड़ा सा फ्रीज कर लें, और ताकि फिर जब आप इसमें इसके इससे इसकी हेल्प से आप ड्राइंग कराएंगे तो आपका सॉलिडिफाई जल्दी से हो जाएगा। फिर तीसरा होता है प्राइमरी ड्राइंग। प्राइमरी ड्राइंग होगा और फिर सेकेंडरी ड्राइंग होगा। प्राइमरी ड्राइंग में सब्लिमेशन ऑफ आइस अंडर वैक्यूम होगा, और सेकेंडरी ड्राइंग में रिमूवल ऑफ रेसिडुअल मॉइस्चर अंडर द हाई वैक्यूम होगा। मतलब कि प्राइमरी ड्राइंग में आपकी सब्लिमेशन की प्रोसेस होगी अंडर वैक्यूम। सब्लिमेशन की प्रोसेस मतलब कि जो आपका लिक्विड है वो उसको आपने फ्रोज किया, जमा दिया, वो आपका आइस में कन्वर्ट हो गया, और आइस सीधा किस में कन्वर्ट होगी, सब्लिमेशन में सीधे के सीधे आपके वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगी विदाउट कन्वर्टिंग इन लिक्विड। और सेकेंडरी में क्या होगा कि जो कुछ अमाउंट ऑफ रेसिड्यूअल मॉइस्चर बचा होगा, जो बचा कुछ अमाउंट है जो आप चाहते हैं कि वो भी उससे रिमूव करें, उसके लिए आप क्या करेंगे, अंडर हाई वैक्यूम सेकेंडरी ड्राइंग कराएंगे, ताकि आपका प्रोडक्ट बिल्कुल से ड्राई हो सके जैसा आप चाहते हैं। फिर आप उस प्रोडक्ट को पैक कर देंगे। पैकिंग करने के टाइम पे आपको ये ध्यान देना है कि उसमें जो भी गैसेस है वो इनर्ट हो, जिस भी मटेरियल में आप पैक कर रहे हैं उसमें इनर्ट गैसेस हो, ताकि उसमें कोई भी रिएक्शन ना होने पाए प्रोडक्ट के साथ में, और आपका प्रोडक्ट खराब नहीं होने पाए। तो आइए डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो पहले बात करेंगे प्रिपरेशन एंड प्री ट्रीटमेंट। द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंट्रोड्यूस इन द कंटेनर इज लिमिटेड बाय इट्स कैपेसिटी। सेटिस्फैक्ट्री फ्रीज ड्राइंग बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट ऑफ डेप्थ ऑफ लिक्विड इज नॉट पॉसिबल। एग्जाम्पल है प्रोटीन सॉल्यूशन। देयरफॉर प्री ट्रीटमेंट इज एसेंशियल। जिससे आपकी प्रोटीन सॉल्यूशंस हो गए,
तो उसमें अगर आपने ज़्यादा मात्रा में अगर उसमें वाटर रहेगा और फिर आप उसको फ्रीज ड्राई करना की सोचेंगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से आपको क्या करना है, पहले आप वॉल्यूम को कम करें सॉल्यूशन के और उसको लिमिट करें, उसको जितना कम कर सकते हैं प्री ट्रीट करें ताकि आप आराम से उसको फ्रीज ड्राई कर सकें। द सोल्यूशन इज प्री कंसनट्रेटेड अंडर नॉर्मल वैक्यूम ट्रे ड्राइंग। और इसके लिए क्या कर सकते हैं, जो भी आपका सोल्यूशन है, जो भी आपका प्रोडक्ट है जिसको फ्रीज ड्राई कराना चाहते हैं, उसको पहले प्री कंसनट्रेट करें आप अंडर वैक्यूम ट्रे ड्राइंग। ट्रे ड्राइंग की मदद से आप करा लें उसको। दिस रिड्यूस द एक्चुअल ड्राइंग बाई 8 to 10 times। और जिसकी वजह से क्या होगा कि जो ड्राइंग का टाइम है, फ्रीज ड्राइंग का टाइम है, वो 8 से 10 बार कम हो जाएगा, कम टाइम लगेगा आपको। द फाइनल प्रोडक्ट बिकम मोर पोरस। और जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। लिक्विड और सॉलिड डेसिकेंट आर ऑल्सो यूज फॉर दिस पर्पस। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, लिक्विड या फिर सॉलिड डेसिकेंट्स का यूज कर सकते हैं इस काम के लिए। तो अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट को फ्रीज ड्राई कराना है तो सबसे पहले उसको कंसंट्रेट करना होगा, यानी कि उसके लिक्विड को कम करना होगा। और लिक्विड को कम करने के लिए आप वैक्यूम ट्रे ड्रायर का यूज कर लीजिए, उसको प्री कंसंट्रेट कर लीजिए, या फिर कोई और मेथड हो सकते हैं उनकी मदद से आप करिए, ताकि कई सारे मेथड मैंने पहले भी बताया, तो आप उनकी मदद से आप अगर करेंगे, किसी और ड्रायर की मदद से आप उनको कंसंट्रेट कर लेंगे, उसमें से पहले से कुछ अमाउंट आप वाटर का कम कर देंगे, तो आपकी फ्रीज ड्राइंग आराम से पॉसिबल हो पाएगी। अब प्री फ्रीजिंग फॉर सॉलिडिफाइंग वाटर। तो इसमें क्या करेंगे, जो वॉयल्स हैं, एम्प्यूल्स हैं या बॉटल्स हैं, इन विच एक्वस सोल्यूशन इज पैक्ड, आर फ्रोजन इन कोल्ड सेल्स अबाउट -50 डिग्री सेल्सियस। ड्यूरिंग दिस स्टेज कैबिनेट इज मेंटेन एट लो टेम्परेचर एटमोस्फेरिक प्रेशर। द नॉर्मल कूलिंग रेट इज अबाउट 1 to 3 केल्विन पर मिनट, सो दैट लार्ज आइस क्रिस्टल्स विथ रिलेटिवली लार्ज होल्स आर फॉर्म्ड ऑन सब्लिमेशन ऑफ आइस। दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग अ पोरस प्रोडक्ट। प्री फ्रीजिंग फॉर सॉलिडिफाइंग वाटर क्या है कि जब भी आप फ्रीज ड्रायर में अपना प्रोडक्ट रखें, उसके पहले आप उसको रेफ्रिजरेट कर लें, आप उसको फ्रीज कर लें, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जब आप इसके अंदर आप अपने वॉयल्स को, अपने एम्प्यूल्स को रखेंगे, जिसमें भी आपका एक्वस सॉल्यूशन पैक आपने किया है -50 डिग्री सेल्सियस पे, जब आप उसको रखेंगे तो सब्लिमेशन की जो प्रोसेस होगी, उसमें जो आइस होगी, यानी कि जो आपके फ्रोजन मटेरियल है, उसमें बड़े बड़े होल्स होंगे, लार्ज होल्स होंगे, यानी कि आइस पूरी एकदम से आपकी वेपर्स में नहीं कन्वर्ट होती, वो आइस का कुछ पार्ट आपका वेपर में कन्वर्ट होगा, फिर थोड़ा सा और होगा, तो उसमें होल्स हो जाते हैं आपकी आइस क्यूब्स। अगर आप क्यूब्स की बात करें, क्यूब्स को रखा जाए, तो जैसे कि अगर आपने ये आपका आइस क्यूब है, ठीक है, तो जब आप इसमें सब्लिमेशन की प्रोसेस कराएंगे, तो ड्यूरिंग सब्लिमेशन जो आइस क्यूब है उसमें इस तरह से कुछ कुछ होल्स होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि ये जो होल्स हैं ये आपके बता रहे हैं कि यहाँ से आपका इतना पार्ट वाटर आइस का कन्वर्ट हो चुका है वेपर्स में, और जितना बड़ा बड़ा होल्स होगा उतनी जल्दी आपकी सब्लिमेशन की प्रोसेस हो पाएगी। और ये तभी हो पाएगी जब आप प्री फ्रीजिंग करेंगे, जो भी मटेरियल आपको फ्रीज ड्राई कराना है उसको पहले से आप फ्रीज कर लेंगे और फिर फ्रीज ड्रायर के अंदर रखेंगे, तो ये प्रोसेस आपकी जल्दी से हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी ड्राइंग की प्रोसेस होगी, सब्लिमेशन ऑफ आइस अंडर वैक्यूम। ये आपका वाटर है, ये आपने फ्रीज किया, वाटर कन्वर्ट हुआ सॉलिड में, सॉलिड में कन्वर्ट होने के बाद में बेसिकली आइस कन्वर्ट हो जाती है फिर से वाटर में। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जो सॉलिड है, यानी कि जो आइस है,
वो कन्वर्ट सब्लिमेशन की हेल्प से वो कन्वर्ट होगी गैस में, और गैस आपकी कंडेंस करके बाहर निकाल दी जाएंगी और प्रोडक्ट आपका सॉलिडिफाई होके मिल जाएगा। उसके लिए जो टेम्परेचर है वो आप ट्रिपल पॉइंट बिलो द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर यूज करेंगे, दैट इज यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको याद कर लीजिएगा। अब बात करेंगे सेकेंडरी ड्राइंग की। एक बार ड्राइंग हो गई, आपका ज्यादा आपका वाटर उससे रिमूव करा दिया गया, उसके बाद में जो उसमें कुछ जरा बहुत अमाउंट ऑफ मॉइस्चर बचा हुआ है उसको आप रिमूव करना चाहते हैं, यानी कि मॉइस्चर के ट्रेसेस को रिमूव कराना चाहते हैं, तो इस स्टेज में वो पॉसिबल है। इस स्टेज में जो टेम्परेचर रहेगा हाई रहेगा, 50 to 60 डिग्री सेल्सियस रहेगा, बट वैक्यूम इज लोअर्ड, लेकिन यहाँ वैक्यूम प्रेशर लो रखेंगे और यहाँ पे हम 10 से 20 घंटे में ड्राइंग की प्रोसेस को करा सकते हैं। पैकेजिंग के लिए जब ड्राइंग हो गई आपकी, तो वैक्यूम इस रिप्लेस बाय इनर्ट गैस, जो वैक्यूम प्रेशर आप दे रहे थे उसको आप रिप्लेस कर देंगे इनर्ट गैस से बॉटल्स के अंदर, वायल्स के अंदर, और फिर उसको क्लोज कर देंगे। इनर्ट गैस इसलिए डाली जाएंगी कि ताकि उसमें कोई भी रिएक्शन कॉज ना होने पाए, आपका प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म तक सुरक्षित रहे। ये जो फ्रीज ड्राइंग की टेक्निक है बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इसका इस्तेमाल किया गया था फूड के लिए, फूड को ज़्यादा टाइम तक के लिए स्टोरेज करने के लिए, ताकि लड़ाई को जारी रखा जा सके और जो और भी लोग थे जो सिविलियंस थे उनको भी प्रोटेक्ट किया जा सके, उनको फूड हेल्प पहुंचाई जा सके, उसके लिए इन्होंने इस टेक्निक का इस्तेमाल किया था फर्स्ट टाइम। उसके बाद से ये टेक्निक आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज में इस्तेमाल हो रही है, ताकि स्किन्स हो गए, टिश्यूज हो गए, ब्लड प्रोडक्ट्स हो गए, और भी कई सारे मेडिसिन्स हो गए जिनको आप फ्रीज ड्राई करके लॉन्ग टर्म के लिए स्टोरेज कर सकें। जैसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हैं, कुछ यूजेज यहाँ हैं, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ डोजेस फॉर्म, जैसे इंजेक्शंस हो गए, सॉल्यूशंस हो गए, सस्पेंशंस हो गए, इनके प्रोडक्शन के लिए इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर ड्राइंग नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट, जैसे कि ब्लड प्लाज्मा हो गया, बैक्टीरियल एंड वायरल कल्चर हो गए, ह्यूमन टिश्यूज हो गए, एंटीबायोटिक्स हो गए, प्लांट एक्सट्रैक्ट हो गया, स्टेरॉइड हो गया, विटामिन, एंजाइम्स और बहुत सारे फूड आइटम्स को स्टोर करने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। एडवांटेजेस की बात करें तो थर्मोलेबाइल जो मटेरियल है, जो हीट सेंसिटिव मटेरियल्स हैं, वो भी फ्रीज ड्राइंग की टेक्निक की वजह से उनको भी ड्राई किया जा सकता है विदाउट डैमेजिंग देम। द प्रोडक्ट रिमेन्स इट्स बल्क वॉल्यूम, इट इज पोरस एंड यूनिफॉर्म, और डीनेचुरेशन डज नॉट अकर। इसमें कोई भी प्रोडक्ट आपका ख़राब नहीं होता, क्योंकि हीट की वजह से जो प्रोडक्ट ख़राब हो सकते थे वो इसकी वजह से प्रोडक्ट ख़राब नहीं होके। लॉस ऑफ वॉलेटाइल मटेरियल इज लेस, माइग्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड अदर सल्यूट डज नॉट टेक प्लेस, मॉइस्चर लेवल कैन बी केप्ट एज लो एज पॉसिबल विदाउट डिकम्पोजिशन, मटेरियल कैन बी ड्राइड इन इट्स फाइनल कंटेनर सच एज सिंगल डोज एंड मल्टीपल डोज वाइल्स। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि जो भी मटेरियल आप ड्राई कर रहे हैं वो आप मल्टीपल डोज में ड्राई कर सकते हैं या फिर सिंगल डोज में भी ड्राई कर सकते हैं, पर्टिकुलर उसी वाइल्स में, उसी पैकेजिंग में जिसमें आप उसको देना चाहते हैं। स्टरिलिटी कैन बी मेंटेन, क्योंकि प्रोडक्ट आपका स्टराइल रहेगा क्योंकि पैक करके ही उसके अंदर रखा जाएगा, और द फाइनल प्रोडक्ट कैन बी स्टोर्ड एट एम्बियंट टेम्परेचर इफ वेल सील्ड बाय प्रोवाइडिंग द इनर्ट एटमोसफियर। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से ये बहुत ही पॉपुलर टेक्निक है, और बहुत सारी फूड इंडस्ट्रीज, बहुत सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इसका इस्तेमाल कर रही हैं डिफरेंट पर्पजेस के लिए, और काफ़ी हद तक ये यूज़फुल रहती है। कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, किसी में खूबियाँ हैं तो खराबियाँ होनी ज़रूरी हैं। द प्रोडक्ट इज प्रोन टू ऑक्सीडेशन ड्यू टू हाई पोरोसिटी एंड लार्ज सरफेस एरिया, देयरफॉर द प्रोडक्ट शुड बी पैक्ड इन वैक्यूम
और यूजिंग इनर्ट गैस और इन अ कंटेनर इम्परवियस टू गैसेस और इक्विपमेंट एंड रनिंग कॉस्ट आर हाई। एक बड़ी चीज़ है कि रनिंग कॉस्ट काफ़ी हाई होती है। एक प्रॉब्लम ये भी है कि ऑक्सीडेशन इसमें हो जाती है, तो इसीलिए इसमें इनर्ट गैस का इस्तेमाल करते हैं, तो इनर्ट गैस भी डालनी होती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अडॉप्ट द मेथड फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन एक्वस सॉल्वेंट और ये फ्रीज ड्राइंग बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती है उन प्रोडक्ट्स के लिए जो इसमें एक्वस सॉल्वेंट नहीं है। नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स जो भी कंटेनिंग सॉल्यूशंस हैं उसके लिए फ्रीज ड्राइंग बहुत ही डिफ़िकल्ट है, और जिसमें लिक्विड है उसके लिए तो बहुत ही सुपर्ब है ये टेक्निक, लेकिन जिसमें एक्वा सोल्यूशन नहीं है उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है। द पीरियड ऑफ ड्राइंग इज हाई, दिस टाइम कैन नॉट बी शॉर्टेंड। और जो ड्राइंग की प्रोसेस है, जैसे कि बताया, जो फाइन 4-5 स्टेप है और फाइनल स्टेप तक आते आते उसको अगर रेसिड्यूअल यानी कि जो स्मॉल से स्मॉल कंटेंट ऑफ वाटर को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो 10 से 12 घंटे लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है इस टेक्निक का। लेकिन बहुत सारे एडवांटेज भी हैं इस टेक्निक के, इसीलिए पॉपुलर टेक्निक है। सो होपफुली आपको ये वीडियो ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ऐसे ही अच्छे यूज़फुल वीडियोस लेक्चर्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें यूटेटिक पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट, सब्लिमेशन, लायोफिलाइजेशन, इसके दो दो नंबर के भी क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। फ्रीज ड्राइंग का प्रिंसिपल पूछा जाता है और बहुत ही सिंपल सी चीज़ है सब्लिमेशन। आप एक टर्म याद कर लीजिए, सब्लिमेशन का मतलब है कि फ्रोजन पार्टिकल्स, जो भी फ्रोजन फॉर्म में आपका प्रोडक्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा सीधे वेपर्स में, और कुछ नहीं ऐड करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा जो स्टेप्स है कंस्ट्रक्शन के 4 स्टेप आप याद कर लीजिए, जो भी कि कंस्ट्रक्शन में क्या क्या आपको बताना है, डायग्राम अच्छे से याद कर लीजिएगा, कैसे सेल्स हैं, कैसे हीट ट्रांसफ़र करने के लिए रेडिएशन कॉयल वगैरह जो भी लगाएगी वो सारी चीज़ें आप याद कर लीजिए। उसके बाद में वर्किंग की बात करें तो वर्किंग में कैसे उसको प्री ट्रीट करते हैं, प्री ट्रीटमेंट क्या होता है, फिर प्री हीटिंग क्या होती है, वो सारी चीज़ें आप याद कर लीजिए। यही आप स्टेप आप लेके चलते रहिए, इसी को आप अच्छे समझ लीजिए, फिर इनको अपने वर्ड्स में आप लिख सकते हैं। 10 नंबर का या 7 नंबर का ये क्वेश्चन आना ही आना है, उसके साथ साथ में 2-2 नंबर के भी क्वेश्चन इससे काफ़ी सारे बन के आते हैं। सो थैंक यू।